हाँ हेलो अहमद भाई, कहाँ पे हो तुम? अरे भाई कुछ नहीं, अपने ऑफिस में बैठा हूँ। और तुम कहाँ पे हो? अहमद भाई, तुम जिस ऑफिस की बात कर रहे हो उसकी बाजू वाली ऑफिस मेरी है। चल सब बढ़िया। अरे किलो दे रहे आलू? 5 का 10 किलो दे रहे। वाह वाह, बड़े बड़े अच्छे। अरे लो ताजा ताजा आलू। 5 का 10 किलो, 5 का 10 किलो, लूट गया माल, लूट गया। अरे हनीमून मनाने गए भालू, ले लो 2 किलो आलू भाई साहब। अरे खाला कुजब मारे खालू, पूरा ताजे ताजे नरम नरम आलू, बहुत ही बेहतर। आइए आइए भाई साहब, ले लो आलू। आइए यार, कुछ भी भाई, सस्ते का माल, सस्ते में तड़कता वड़कता माल। ए 2 किलो, 10 का 20, 10 का 20, आओ आओ ले लो तड़कता वड़कता माल। तुम दोनों से बाबूजी का बेटा कौन है? सूट बूट देख के तो लग रही है बड़े घर का है, इसका मतलब कुछ तो देने आया होगा। अब आओ बाबूजी, उठ। ये है बाबूजी का बेटा। पिछवाड़े में डाल रखी है सब। क्या हुआ भाई साहब, आप ठीक तो हो? क्या हुआ तेरे को? सपने में एक चला गया, वहाँ पे एक सुअर ने कत्ती जहर मारी थी। सुअर ने मार दी? अरे बताओ तो बाबूजी का बेटा कौन है? ये है बाबूजी बेटा। मैं तुम्हें तुम्हारा हक देने आया हूँ। समझ क्या रखा मेरे दोस्त को? ये कोई सुलभ शौचालय दिख रहा क्या जो हक दोगे इसके ऊपर? भाई साहब वो रही टॉयलेट, वहां पे जितनी चाहे उतनी आगे, कोई कुछ नहीं करने वाला। मैं इसको इसका हिस्सा देने आया हूँ। बाबूजी ने कहा था कि ये 5 साल के बाद तुम्हें देने के लिए। मेरे रहते हुए तुझे सामने तू उठाएगा? ये देख मेरे डॉल, ये मैं उठाऊंगा, तुझे ना उठाने दूंगा तुझे सामने। ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं हो रहा? ये रूई से भी ज्यादा हल्की है, तू मुझे देख। हेलो हेलो, हाँ हेलो जानवन, आ रहा हूँ, iPhone 30 लेने जाएंगे। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। साले जेब में फूटी कोड़ी नहीं, लेने चले iPhone 30। आखिर इसमें लिखा क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रॉकी भाई शायद पढ़ लेंगे। अरे तेरी के आईफोन का रिंगटोन भाई, ले लिए 30 प्रो। हेलो हेलो भाई, कॉल किया था, मैं अभी कॉल किया था तुझे बुलाने के लिए। अबे तुझे पता है भाई की कितनी मार्केट में इज्जत है? पूरा बेइज्जती करा रखा है, पूरा हर जगह बेइज्जती करा रखी है। पता है कितनी इज्जत मेरी चली गई है तेरे वजह से। अबे साले रोड के तेरी बाउंड्री है ना। वाह क्या इज्जत है तुम्हारी, पूरी बरस रही, ऐसे ऐसे बरस रही है बादलों में से बरस। अरे मैं बोल रहा था रॉकी भाई इज्जत आई नहीं है, आ जाएगी, पर तू साले पहले रिंगटोन चेंज कर, पूरा बेइज्जती करा के रखा है। खुदा कसम अहमद भाई बोल रहे हो, अभी 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 चेंज करो, ये हो गई चेंज रिंगटोन। चाहे अब तुम्हारी जोर भी छोड़ के चले जाए फिर भी ना बजेगी भाई, कि फिर भी ना बजे। बहुत शांति है इधर, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ बैठने में। जी मेरे कद्दू का शांति, साले 10 लीटर खून बहा दिया मेरा और खुद की एक बूंद खून बहाने पड़ती है। बिनोद अंकल ने मुझे क्या दिया था देख तो, इस पे क्या लिखा है? क्यों तू ना पढ़ सकता क्या? वो क्या है ना, मेरी आंख में थोड़ी सी बवासीर हो गई है, दर्द होती है, तू पढ़ ले। तो ले तो फिर, मेरी हाथ भी मेरे काबू से बाहर होगी। वो कैसे रॉकी भाई? वो चूतिया समझ रखा है बाबा सी आँख में होती क्या? सारे पके हुए आम के सड़े हुए गुठली लाए इधर को, पढ़ाई नहीं आती। अभी यार कह तो दिया मैं पढ़ लूँगा, साला पढ़ तो लेता मगर लिखा तो इंग्लिश में और अंग्रेजी तो मुझे आती है। ओ भाई साहब इधर इधर सर। भाई साहब
क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या लिखा? जंगल के बीच से रास्ता, जीन को दो पास्ता, कुत्तों को खिलाओ नाश्ता, पेड़ के क्या लिखा, पेड़ के आगे बता भाई। हाँ तो कुछ नहीं लिखा है भाई। क्या बोला तुझे? उसने बताया कि इसमें लिखा है जंगल के बीच से रास्ता, जिन को दो पास्ता, कुत्तों को खिलाओ नाश्ता और पेड़ के। पेड़ के क्या आगे कुछ लिखा ना भाई, मैं क्या बताऊँ कैसे बताऊँ। तो पहली पड़ाव हमें मिलती है जंगल के बीच से रास्ता। अबे यार हमारे इधर तीन ही जंगल है, वो जंगल ना है, वो हमारे इधर तीन ही जंगल है। कौन कौन सी? और हमारे इधर तीन ही जंगल है, एक अमेजॉन, दूसरा अब्बा जॉन, तीसरा बेटा जॉन। मेरे ख्याल से अमेजॉन तो बहुत गहरा है, उसके बीच से बाबूजी ना कहेंगे जाने के लिए। और दूसरी बात, बेटा जॉन जंगल कट चुका है पूरा, और बाकी बचा, समझ रहे हो? क्या? अरे वहीं पे तो हमें मिलेगी साइकिल छाप मट्ठा। तो मेरा कहने का मतलब था उसी जंगल से हमें होते हुए गुजरना, और इस हालत में तो मैं ना जा सकता भाई। जाना पड़ेगा रॉकी भाई, कुछ महीने इंतजार करना होगा, कुछ दिन इंतजार करना होगा। ये साले तू नहीं किया था ये हालत। अच्छा तो रॉकी भाई, इस जगह का नाम अब्बा जॉन किसने रखा? इस जगह का नाम अब्बा जॉन रखा था AABCRR ने। क्या? अब्बा अंबानी बेटा छोड़ीराम रामजानी का शॉर्ट फॉर्म है AABCRR। उनके नाम से जंगल का नाम। तो हेलो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे कि आप जान सकते होंगे, ये था हमारा खजाना खोज पार्ट 4। अगर आपने इसमें से कुछ भी समझ नहीं आए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का, और हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आ जाइए, फॉलो कीजिए। और जिसने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है वहाँ पर जाकर देख सकता है। और हमारा इस वीडियो में टारगेट है 5000 व्यूज़, तो हम कहना चाहते हैं अगर 5000 व्यूज़ आएंगे तो हम लोग इसका पार्ट 5 लाने वाले हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टेड होने वाली है। ट्विस्ट बहुत है इसमें, क्योंकि आप जैसे कि देख सकते होंगे इसमें बहुत सारा पड़ा हुआ है, और लास्ट खजाना ऐसे ही मिलने वाला है जैसे कि हमारा फर्स्ट वीडियो था खजाना खोज। तो हमारा रिस्पॉन्स भी हमें अच्छा चाहिए इसमें।